हेलो दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लेसन तैयार कर दिया, और आपने नहीं देखा तो वो लेसन एक बार देख लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे राजस्थान के किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे, उनको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किसान आंदोलन की आधारशिला रखी गई और क्या कारण थे कि किसान आंदोलन इतने बढ़ चढ़ कर किसान भाग लेने लगे। तो सबसे बड़ी बात थी, उस समय जब हम बात करें मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की, तो उस समय एक कर होता था भू राजस्व कर, जो कि अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता था। तो जितने भी किसान थे, जितने भी लोग थे, उनके आय का सबसे बड़ा साधन था भू राजस्व। राजाओं को उससे रेवेन्यू प्राप्त होता था, उसी रेवेन्यू से क्या होता था, शासन और प्रशासन की गतिविधियाँ चलती थी। तो देखिए, किसान आंदोलन होने का प्रमुख वजह क्या थी। हमारे राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने 1818, कब 1818 के अंतर्गत कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। ये 1818 के अंतर्गत कुछ रियासतें थी जिन्होंने 1803 में की थी, कुछ रियासतों ने 1817 के अंतर्गत की थी, लेकिन मुख्य रूप से 1818 के अंतर्गत काफ़ी रियासतों ने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, जिसकी वजह से राजाओं के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा जितनी भी रियासतें थी वहाँ पर आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे तथा उनके अधिक कर लगाने लगे। इस प्रकार से राजाओं की जो सैन्य शक्तियाँ थी उसमें तो हुई थी कमी और वहाँ के विलासिता के अंतर्गत हो गई वृद्धि। अब दोस्तों, विलासिता के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू, पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए क्या किया था, इनके द्वारा बढ़ाए गए थे कर। कर बढ़ाने के कारण क्या हुआ था, किसान इतने योग्य नहीं थे कि उनके पास इतना रेवेन्यू या जो भी राजस्व कर है उसका भुगतान किया जा सके। इसलिए किसान होने वाले दुर्व्यवहार और उनके साथ जो भी अत्याचार किए गए, जिससे वो हो गए असंतुष्ट, और असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने संगठित होकर क्या किया था, आंदोलन करने लगे थे। तो देखिए, ये प्रमुख कारण था। और उसी समय 1857 की क्रांति बढ़ चढ़ कर हुई थी, जिसकी वजह से जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कौन थे, राजनीतिक कार्यकर्ता सामने आए थे। उनके सामने आने के बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया था, इस किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। किसी भी क्रांति या किसी भी आंदोलन के लिए सबसे अहम होती है उसके साथ जुड़ने वाले लोग, जनता, और उससे भी बड़ी बात होती है कि उसको एक अच्छा नेतृत्व हो। तो जिस प्रकार से हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के रूप में अच्छा नेतृत्व प्रदान हुआ, उसी अंदाज में देखें तो किसान आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थे, विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताएं रहे थे, जिसकी वजह से राजस्थान के अंतर्गत काफ़ी अहम किसान आंदोलन हुए थे। और उन किसान आंदोलन में सबसे प्रमुख कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू बैरड किसान आंदोलन। इन सभी किसान आंदोलन के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसान आंदोलन होने की वजह क्या रही थी कि ब्रिटिश शासन की वजह से क्या होता है, इनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, बदलाव आता है। राजाओं ने क्या किया था, प्रजा से कोई संबंध नहीं रखा, उनके दुख दर्द और उनके जितने भी कार्य थी उनके बारे में प्रवाह नहीं करने लगे, और जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो किसके हाथ में आ गई थी, ब्रिटिश शासन के हाथ में आ गई, जिसकी वजह से किसानों पर क्या किया जाता है, अत्यधिक भू राजस्व, दुर्व्यवहार, पैतृक भूमि से वंचित करना, इस प्रकार के अत्याचार के कारण क्या होते हैं, किसान असंतुष्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक मजबूत आंदोलन की नींव रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो आंदोलन की नींव रखते हैं उसका जो नेतृत्व करने वाले कौन होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता ये होते हैं। तो सबसे अहम जो किसान आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान के किसान आंदोलन में नाम आता है, वो आता है उत्तर प्रदेश के विजय सिंह पथिक का। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो क्या था,
भूप सिंह था। इनको राजस्थान के किसान आंदोलनों का क्या बोलते हैं, जनक बोला जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो देखिए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कब हुआ था, 1897 से लेके 1941 ईस्वी के अंतर्गत ये किसान आंदोलन हुआ था। ये भारत के सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन रहा था जो लगभग 44 वर्षों तक चला था। तो इस किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहली बात है कि इस किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसे बोला जाता है, साधु सीताराम दास जी को इस किसान आंदोलन का जनक बोलते हैं। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा इसका प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जहाँ पर हुआ था, तो ये बिजोलिया किसका एक प्रमुख ठिकाना था, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आने वाला मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना था और मेवाड़ का ये एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देखिए दोस्तों, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ठिकानों की कितनी श्रेणियाँ थी, तीन श्रेणियाँ थी, प्रथम श्रेणी के ठिकाने, द्वितीय श्रेणी के ठिकाने और तृतीय श्रेणी के ठिकाने। तो बिजोलिया ठिकाना था वो कौन सा था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस ठिकाने को पहले राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार नामक एक शासक को, एक व्यक्ति को यहाँ की जागीर दी गई, उन्हें वहाँ का जागीरदार बनाया गया था। और इस उपरमाल का जो मुख्यालय था वो क्या था, बिजोलिया इसका मुख्यालय था। तो अब देखिए आंदोलन से संबंधित अपन बातें करते हैं, ये इसका थोड़ा सा प्रारंभिक इतिहास था। तो आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, तो 1897 के अंतर्गत यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और यहाँ पर गिरधारीपुरा नामक एक गांव है जो कहाँ का है, बिजोलिया का गांव था। और यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान संगठित होकर एक मजबूत आंदोलन की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस आंदोलन के होने के मुख्य कारण क्या थे, तो मुख्य कारण के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ी बात किसानों के द्वारा भू राजस्व भरने या भुगतान करने की सामर्थ्य न होने की वजह से जितने भी अंग्रेजों के या फिर रियासत के कर्मचारी थे उनके द्वारा उनके साथ किसानों के साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, जो एक अहम कारण था। उसके बाद यहाँ पर 84 टाइप्स के अलग अलग प्रकार के लाग बाग कर लागू किए गए थे। फिर यहाँ पर जो भू राजस्व वसूल करने की जो एक पद्धति थी वो थी लाटा कुंता व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है कि जिस प्रकार से खेत के अंतर्गत खड़ी फसल होती है तो उस खड़ी फसल को देख के अंदाजा लगाया जाता है कि ये हमारी फसल कितनी होगी, जैसे कि 100 बोरी होगी या फिर 200 बोरी होगी। तो इस प्रकार से क्या लगाया जाता था, अनुमान लगाया जाता था। और ये अनुमान हमेशा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा क्या लगाया जाता था, ज़्यादा ही लगाया जाता था, या फिर किसी कारणवश जैसे कि खड़ी फसल पे अंदाज लगाया गया और उसके बाद में बारिश नहीं हुई या फिर किसी और कारण से फसल कम हुई तो भी उसको क्या है, उतना रेवेन्यू या फिर उतना कर देना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। फिर जैसे कि कृष्ण सिंह और प्रति सिंह के समय में हमने देखा था कि चौरी कर और तलवार बंदाई नामक दो नए कर प्रारंभ कर दिए गए थे। इन सभी करों की वजह से क्या हुआ था, किसानों में घोर असंतोष था, जिसकी वजह से वो संगठित होकर इस किसान आंदोलन की नींव रखते हैं। फिर देखिए ये जो किसान आंदोलन है मुख्य रूप से तीन चरणों के अंतर्गत हुआ था। तो इस तीन चरणों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो सबसे प्रारंभिक जो चरण है वो 1897 से 1914 के अंतर्गत हुआ। द्वितीय चरण को 1914 से 1923 के बीच वर्गीकृत किया जाता है और सबसे अंतिम चरण के रूप में जो हुआ था 1923 से 1941 के बीच हुआ था। तो इन चरणों में हम एक एक चरण करके विस्तार पूर्वक देखते हैं कि किस चरण के अंतर्गत किस प्रकार की इस आंदोलन का संचालन किया गया। तो सबसे पहले प्रथम चरण के बारे में देखिए, तो प्रथम चरण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, प्रथम चरण के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने ऑलरेडी देखा था, ये आंदोलन बिजोलिया के
गिरधारीपुरा नामक गांव में शुरू होता है और उस गांव में एक गंगाराम नामक धाकड़ व्यक्ति था जिसके मृत्यु भोज के अवसर पर जितने भी धाकड़ जाति के या फिर उस गिरधारीपुरा गांव के किसान एकत्रित हुए थे उन किसानों की एक सभा हुई थी। उस सभा में निश्चित किया गया था कि यहाँ से किसी प्रतिनिधि को तात्कालिक मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास प्रतिनिधि भेजा जाएगा तथा वो प्रतिनिधि बताएगा कि प्रजा या फिर किसानों के साथ अंग्रेज अधिकारी या फिर रियासत के कर्मचारी किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और किस प्रकार से प्रजा को परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ से कौन गया था? साधु सीताराम दास जी के कहने पर दो प्रतिनिधि गए थे, नानक जी और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने जाते हैं। तो फिर देखिए, महाराणा की ओर से प्रथम चरण के अंतर्गत इस पूरी बातों की जांच के लिए एक अधिकारी को भेजा जाता है कि ठिकाने के अंतर्गत जाके जांच करे कि किसानों के द्वारा जो भी शिकायत की गई थी वो शिकायत सही है या नहीं। तो उस अधिकारी का नाम है हामिद हुसैन खां। तो मेवाड़ महाराणा ने इन अधिकारी को भेजा तथा इन्होंने क्या किया था, उस रियासत या उस ठिकाने से जितने भी किसान थे उनकी जांच पड़ताल करके इन्होंने रिपोर्ट दी कि किसानों की जो भी शिकायतें हैं वो क्या है, सही है। फिर देखिए, नानक जी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया ठाकुर ने बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। तो दोस्तों, किस प्रकार से व्यवस्था होती थी, पहले रियासत होती थी, रियासत के अंतर्गत क्या होते थे, छोटे छोटे क्या होते थे, ठिकाने होते थे। फिर यहाँ के ठिकाने में क्या होते थे, जागीरदार या फिर सामंत होते थे, वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे, महाराणा को देते थे। तो यहाँ के जो भी बिजोलिया के जो भी ठाकुर थे इन्होंने क्या किया था, इन्हें दोनों को जो मेवाड़ महाराणा के पास जाके शिकायत करते हैं उनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। इसके बाद क्या होता है, ये आंदोलन एक असफलता की ओर चला जाता है और उसके बाद में क्या होता है, ये आंदोलन धीरे 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 चलता रहता है और इस प्रथम चरण के अंतर्गत कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस चरण से जुड़े हुए कुछ और स्थानीय नेता थे, उनके बारे में देखिए। तीन स्थानीय नेताओं का और नाम है, प्रेमचंद भील, बरमदेव और फतेह करण चारण, प्रथम चरण से जुड़े हुए तीन स्थानीय नेता थे। अब देखिए, प्रथम चरण के अंतर्गत कोई रिजल्ट नहीं मिलने के बाद द्वितीय चरण से सबसे अहम व्यक्ति जो राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है वो इस चरण के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और उनका नाम है विजय सिंह फतिक। तो देखिए, द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या होता है, उससे पहले द्वितीय चरण के अंतर्गत कुछ बातें और होती है उसके बारे में देखिए। तो जैसा कि हमने देखा था कारण के अंतर्गत, तो 1906 के अंतर्गत जो बिजोलिया का नया जागीरदार बनता है कृष्ण सिंह के बाद में, तो इनके द्वारा जो भी बिजोलिया के सामंत या जागीरदार पर जो कर लगाया जाता है तलवार बंधाई, वो तलवार बंधाई नामक कर प्रजा के ऊपर या फिर जितने भी वहाँ के जनता है उनके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। तो देखिए, तलवार बंधाई का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से कोई भी सामंत या जागीरदार होता है उस जागीरदार के पद पर जो भी उसका वंशज या नया जागीरदार बनता है उसको वहाँ का उत्तराधिकारी दिया जाता है, तो उस समय उसके द्वारा उस रियासत को कर दिया जाता है या शुल्क दिया जाता है उसे उत्तराधिकारी शुल्क कहते हैं। मेवाड़ में इसे क्या बोला जाता था, तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता था। फिर अलग अलग रियासतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मेवाड़ में उसे कैद खालसा और नजराना के नाम से भी जाना जाता था। उसी प्रकार से मारवाड़ रियासत है जो जोधपुर रियासत, उसमें हुक्मनामा और पेशकशी के नाम से जाना जाता था। सबसे अहम जो परीक्षाओं के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसके द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क नहीं दिया जाता था, तो वो रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी राजस्थान की जो उत्तराधिकारी शुल्क या फिर किसी प्रकार का नजराना और तलवार बंधाई कर नहीं देती थी।
इस आंदोलन से जुड़ी अब अहम बात होती है, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा दोनों इस आंदोलन से दूसरे चरण के अंतर्गत जुड़ जाते हैं। और इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी के जुड़ने के बाद इनके द्वारा 1917 के अंतर्गत हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ के एक गांव है जिसका नाम है बेरीसाल, तो बेरीसाल नामक गांव में एक उपरमाल पंचपूर्ण नाम की एक आयोग की स्थापना करते हैं। और इस आयोग का क्या काम होता है, विभिन्न किसानों को संगठित करना। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया जाता है, जो मुन्ना पटेल नाम के एक व्यक्ति है इनको क्या कर दिया जाता है, इस आयोग का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखिए, इनके द्वारा फिर वापस से किसानों की समस्याओं को लेके मेवाड़ महाराणा के पास प्रस्तुत किया जाता है। और इस बार मेवाड़ महाराणा के द्वारा 1919 के अंतर्गत एक नया आयोग या फिर संगठन बनाकर इनकी जांच के लिए पुणे भेजा जाता है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा तीन व्यक्तियों या तीन सदस्यीय एक आयोग को मेवाड़ के अंतर्गत जांच के लिए भेजा जाता है। तो इसमें एक सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य और दो अन्य सदस्य कौन थे, अमर सिंह और अफजल अली नाम के दो और इसमें सदस्य थे। फिर देखिए, तात्कालिक जो राजस्थान के एजीजी थे उनके प्रयासों से या उनके कहने पर क्या होता है, रियासत और जो बिजोलिया के किसान थे उन दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समझौते के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि जो 84 प्रकार के कर थे बिजोलिया के अंतर्गत उसमें से 35 कर माफ कर दिए जाएंगे। तो 35 कर माफ करने के बाद पीछे कितने बनेंगे बचेंगे, 49 प्रकार के कर बचे। लेकिन यहाँ से समस्या ये हुई थी कि जो ये कर माफ किए थे उनको जो रियासत के जो ठिकानेदार के जो सामंत थे जागीरदार थे उन्होंने ये नहीं समझौता नहीं माना था या नहीं लागू किया था। तो दूसरे चरण के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का बिचौलिया किसान आंदोलन में रिजल्ट नहीं आता है। तो देखिए अब इसका क्या है, जो तीसरा चरण शुरू हो जाता है, तो तीसरे चरण में क्या होता है, विजय सिंह पथिक क्या होते हैं इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का क्या है, ऐसा बताया जाता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा कहा गया कि सभी सामंत जितने भी किसान हैं वो यहाँ के जो जागीरदार है उनको भूमि वापस दे दे और कोई भी उनसे कृषि ना करे, तो इस प्रकार का फंडा अपनाया जाए। लेकिन यहाँ के जागीरदार थे उनके द्वारा क्या किया गया था, जैसे ही उन्होंने जमीनें लौटाई तो उन्होंने क्या किया, जमीनें अपने पास रख ली और कर कम फिर भी नहीं किया। तो फिर देखिए, इस आंदोलन से यहाँ पे विजय सिंह पथिक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज को यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता है। तो जमनालाल बजाज कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और उसके बाद में जमनालाल बजाज ने यहाँ पर हरिभाव उपाध्याय को इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए नियुक्त करते हैं और स्वयं वापस चले जाते हैं। तो इस चरण के अंतर्गत क्या होता है, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री है राघवाचारी और राजस्व मंत्री होते हैं मोहन सिंह मेहता, इन दोनों के प्रयासों से क्या होता है, किसानों के साथ एक समझौता किया जाता है और उनकी मांगे मान ली जाती है। फिर इस प्रकार से ये जो आंदोलन है तीसरे चरण में 1941 के अंतर्गत जाके ये आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। और इस प्रकार सर्वाधिक ये देखिए भारत के अंतर्गत 44 वर्षों तक सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में, एक सफल आंदोलन के रूप में समाप्त होता है। इस आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं, किस कौन कौन से समाचार पत्र इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से अन्य नाम इससे जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में देखिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के एक पत्रकार थे जिनके द्वारा कानपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम है प्रताप। तो इस प्रताप नामक समाचार पत्र में मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख खबरें या फिर इस आंदोलन का महत्व प्रकाशित किया जाता था। फिर हमने दूसरे चरण में देखा था कि
विजय सिंह पथिक के साथ एक अन्य नाम जुड़ा हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किसानों को संगठित करना और उसमें लगातार आंदोलन करने की प्रेरणा और जोश भरने के लिए जो गीत गाए जाते थे वो कौन सा गीत था? पंछेड़ा। तो पंछेड़ा गीत के माध्यम से ये किसानों को क्या करते थे? जोश भरते थे और उनको संगठित करने में काफ़ी अहम रहे। फिर विजय सिंह पथिक है, उनके द्वारा इस आंदोलन से संबंधित एक पर्चा प्रकाशित किया गया था, जिसका क्या नाम है? ऊपर माल का डंका नामक एक पर्चा प्रकाशित किया जाता था। फिर द्वितीय चरण के अंतर्गत भंवरलाल नामक एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा भी अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें किसानों के अंतर्गत जो पोटेंशियल या फिर आंदोलन करने का जोश और जुनून भरते थे। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, जिसका नाम है मराठा। इस मराठा समाचार पत्र के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था और वो आर्टिकल बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में लिखा गया, और इन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा है तात्कालिक फतेह सिंह, उनको भी पत्र लिखा था कि इस आंदोलन के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन है, उनकी बातों को सुना जाए और उनके पक्ष में निर्णय लिया जाए। फिर काफ़ी अहम नाम है प्रेमचंद, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया, रंगभूमि उपन्यास। इस उपन्यास में भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन सा नहीं है? ऊपर माल का डंका, पंचेड़ा, भंवरलाल जी के गीत, मराठा समाचार पत्र या फिर रंगभूमि? तो ये सारे इससे संबंधित है। फिर देखिए, इस प्रकार से प्रथम चरण का जो किसान आंदोलन है वो क्या होता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये सबसे अहम इसलिए है कि सबसे लंबा 44 वर्षों तक, कितने 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन रहा था, जो एक सफल आंदोलन के रूप में समाप्त होता है। अब इस आंदोलन के द्वारा ये अन्य स्थानों पर किसानों के प्रति होने वाले अत्याचारों के लिए भी क्या एक प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा था, और बाकी जगहों पर किसानों के प्रति होने वाले जितने भी दुर्व्यवहार या फिर उनका शोषण हुआ जा रहा था उसके विरुद्ध वो भी उठ खड़े हुए थे। तो देखिए, अगला किसान आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। तो ये जो किसान आंदोलन है ये भी मेवाड़ रियासत से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन है। तो इस किसान आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंतर्गत सीधे जुड़े हुए थे? तो इस किसान आंदोलन के अंतर्गत जो जनता के अंतर्गत या किसानों के अंतर्गत इस आंदोलन को प्रेरित करने वाले या फिर अधिकारों के प्रति सशक्त करने के लिए या फिर राजनीतिक रूप से जागरूक करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किसानों को संगठित और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। ये जो बेगू है वो किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और ये चित्तौड़गढ़ भी कहाँ पे था? तात्कालिक मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा था। तो यहाँ पर इस किसान आंदोलन के दौरान जो यहाँ के ठाकुर थे वो कौन थे? बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह चुंडावत। अब यहाँ पर किसान आंदोलन होने का जो सबसे अहम कारण था वो क्या था? अत्यधिक भू राजस्व और बेगार प्रथा। तो दोस्तों, बेगार प्रथा का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा काम करवाना और उस काम के प्रति उसको मजदूरी नहीं देना क्या कहलाता है? बेगार प्रथा कहलाता है। उसके अलावा किसानों से बहुत ज़्यादा लाग बाग या फिर राजस्व कर बहुत ज़्यादा प्रकार का लिया जाता था, जिसके कारण उसमें क्या था? असंतोष था, आक्रोश था, जिसकी वजह से वो सारे किसान संगठित होकर एक आंदोलन के रूप में उठ खड़े होते हैं। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो आंदोलन 1921 में मैनाल, जो कि एक भीलवाड़ा की जगह है, और भीलवाड़ा के अंतर्गत भैरवकुंड तालाब नामक स्थान से इस आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। सबसे अहम बात है, ये जो किसान आंदोलन हुआ था इस किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? धाकड़ जाति के किसान आंदोलन किसान इससे जुड़े हुए
थे जिन्होंने कर को कम कराने के लिए और किसानों के बीच क्या एक समझौता करवाने के लिए रियासत को स्वीकार करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसानों और रियासत के बीच जो समझौता हो जाता है, इस समझौतों को कौन स्वीकार कर ले? मेवाड़ रियासत ने यह स्वीकार कर लिया। यहाँ पर यहाँ के जो भी ठिकानेदार है अनूप सिंह चुंडावत, किसानों के साथ समझौता करके उनके जो मांगे हैं या फिर उनके कर हैं उनको कम कर देते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है बिचौलिया किसान आंदोलन के, यहाँ पर मेवाड़ रियासत के द्वारा क्या होता है, इसको अस्वीकार कर लिया जाता है और इसे क्या बोला जाता है, बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। दोस्तों बोल्शेविक समझौता है वो मुख्य रूप से रूस से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? रूस से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए वापस रियासत के द्वारा यहाँ पर सेटलमेंट कमिश्नर के रूप में ट्रेंस नामक एक अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाता है। और इस जांच के लिए जो अधिकारी भेजा जाता है उस अधिकारी का क्या करते हैं, किसानों के द्वारा बहिष्कार किया जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर गोविंदपुरा नामक गांव है एक, जहाँ पर किसानों की सभा चलती है। सारे किसान एकत्रित होकर बेगू किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं किस प्रकार से इन करों को कम करवाया जाए। तो इस एक प्रकार की सभा के अंतर्गत जो ट्रेंच नामक अधिकारी थे उन अधिकारी के द्वारा 13 जुलाई 1923 को गोली चला दी जाती है। और इस गोलीबारी के अंतर्गत दो प्रमुख किसान थे, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो ये धाकड़ जाति के किसान इसमें क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आगे देखिए दोस्तों, 1926 के अंतर्गत किसानों की शर्तें मान ली जाती है और यहाँ पर एक नया बंदोबस्त और 34 प्रकार की लागों को क्या करते हैं, ठिकाने के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त होता है और इसके अंतर्गत जो अहम जो नेतृत्व करने वाले होते हैं वो तीन कौन होते हैं, वर्मा जी, रामनारायण जी और विजय सिंह पथिक, इसमें अहम नाम होता है। अगला किसान आंदोलन देखिए, बूंदी या बैरड किसान आंदोलन। बूंदी या बैरड किसान आंदोलन के बारे में देखिए, ये किसान आंदोलन है 1920 में साधु सीताराम दास जी के द्वारा एक पंचायत की स्थापना की जाती है, उसका नाम है डाबी किसान पंचायत। इसकी स्थापना की जाती है और इस पंचायत का जो अध्यक्ष है वो हरला बड़क जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अहम बात क्या है, 1920 में साधु सीताराम दास जी के द्वारा डाबी किसान पंचायत की स्थापना की जाती है और हरला बड़क को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर यहाँ पर जो गतिविधि होती है, तो 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पर किसानों की क्या होती है, डाबी किसान पंचायत की क्या होती है, एक सभा होती है। इस सभा के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी इकराम हुसैन के द्वारा क्या होता है, सभा के ऊपर गोली चला दी जाती है और इस गोलीबारी के अंतर्गत इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस आंदोलन के तीन और अहम नेता रहे थे, वो कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह जो है वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर अहम बात यह होती है, इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो भी भाग लेती है। जैसे हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था तो उसमें टोंक जो छावनी है या टोंक रियासत थी वहाँ पे 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। और उसी प्रकार बैरड किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं ने भाग लिया था और इस आंदोलन से जो अहम गुजर जाति के किसान थे वो सर्वाधिक मात्रा में इस आंदोलन से जुड़े हुए होते हैं। अगला देखिए किसान आंदोलन, अगला किसान आंदोलन है नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। काफी अहम है, यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं और काफी समाचार पत्रों के रूप में भी इस आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए नीमू चढ़ा किसान आंदोलन है वो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो ये अलवर से संबंधित किसान आंदोलन है। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा जो कि एक अलवर में स्थित है, यहाँ पर किसानों पर जो यहाँ का अंग्रेज कमांडर है छाजू सिंह के द्वारा क्या होता है, गोली चला दी जाती है। और इस गोलीबारी के अंतर्गत सैकड़ों 156 किसान यहाँ पर
मारे जाते हैं। तो इस किसान आंदोलन की जो खबर है सबसे अहम, यहाँ से किसानों की जो खबर है इस आंदोलन की, वो समाचार पत्र से संबंधित बातें पूछी जाती है। तो यहाँ पर इस खबर से सचित्र प्रकाशित करने वाला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? तरुण राजस्थान है। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ एक समाचार पत्र है, यंग इंडिया। और इस समाचार पत्र की क्या अहमियत है? इस समाचार पत्र के अनुसार यहाँ पर निमोचना जो गतिविधि हुई थी इसे दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी गई थी। फिर दिल्ली से एक रियासत नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता था और इसने इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हैं और उससे भी भयानक इसको बताया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी सिर्फ तुलना की गई है जलियांवाले बाग हत्याकांड से और उससे भयानक बोला गया है, जबकि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो मानगढ़ पहाड़ी से संबंधित है। तो ये क्या है, राजस्थान में इसकी तुलना की गई है उससे भयानकता की। फिर निमोचना किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो किसान है वो राजपूत जाति के किसानों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। फिर अगला किसान आंदोलन देखिए, भरतपुर रियासत से संबंधित किसान आंदोलन काफ़ी अहम है, ये काफ़ी कम पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान से देखिए। तो भरतपुर किसान आंदोलन है, तो यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1931 के अंतर्गत यहाँ के जो कर्मचारी है उनके द्वारा नया भूमि बंदोबस्त एक कर लागू किया जाता है और यहाँ पर भू राजस्व की जो दर है वो 3% कर बढ़ा दिया जाता है। तो इस बढ़े हुए कर की या बढ़े हुए लागतों के विरुद्ध एक किसान होते हैं नंबरदार भोज। तो इनके नेतृत्व के अंतर्गत किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन का सकारात्मक परिणाम आते हुए स्टेट काउंसिल के द्वारा ये जो बढ़ी हुई दर है उसको अगले 5 वर्षों तक क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर देते हैं। इस प्रकार से सकारात्मक रूप से ये आंदोलन समाप्त होता है। अगला किसान आंदोलन देखिए दोस्तों, शेखावाटी। तो सीकर जो क्षेत्र है या शेखावाटी क्षेत्र है उससे काफ़ी किसान आंदोलन से संबंधित गतिविधियां हुई थी, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत सीकर के जो राव राजा थे वो थे कल्याण सिंह। यहाँ के राजा के द्वारा वर्ष 1922 के अंतर्गत करों के अंतर्गत भू राजस्व करों के अंतर्गत वृद्धि कर दी जाती है और इस वृद्धि से संबंधित और शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित खबर प्रकाशित करने वाला लंदन का एक समाचार पत्र रहता है जिसे डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छपती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फिर 1931 के अंतर्गत इस ठिकाने से संबंधित ठाकुर देशराज के द्वारा 1931 में एक जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है, यहाँ के जाट जाति के किसानों को संगठित करके एक संगठन या सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा के द्वारा 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन, किस दिन? बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया जाता है। ठाकुर देशराज के द्वारा इस जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन की अहम बात क्या होती है? इसके जो मुख्य पुरोहित होते हैं वो कौन होते हैं? खेमराज शर्मा होते हैं और इस जो यज्ञ है उसके मुख्य यज्ञपति कौन होते हैं? कुंवर हुकम सिंह होते हैं। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। ठाकुर देशराज के द्वारा जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1931 के अंतर्गत किया गया था। किस दिन इनको द्वारा जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? बसंत पंचमी के दिन। और इससे जुड़े हुए मुख्य पुरोहित और मुख्य यज्ञपति कौन रहे थे? फिर इसी के द्वारा 1933 के अंतर्गत महासभा का प्रथम अधिवेशन पलथाना सीकर के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो ये थी इस आंदोलन से संबंधित कुछ खबर। इसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र का एक दूसरा आंदोलन है कुंदन हत्याकांड। तो इसके बारे में देखिए, इसका जो नेतृत्व है किसने किया था? छापी देवी नामक एक महिला के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और ये कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को इस आंदोलन के बारे में
शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पुलिस की सहायता से जबरन कर वसूलने के चक्कर में किसान भड़क गए और किसानों के द्वारा अफरा तफरी के अंतर्गत कैप्टन वेब के द्वारा फायरिंग करवा दी जाती है। और इस फायरिंग के अंतर्गत कुंदन हत्याकांड के अंतर्गत चार किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उन चार किसानों के नाम है चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम। आसाराम है, आसाराम बापू नहीं है, ठीक है। तो इन चार किसानों यहाँ पर मारे जाते हैं। और इससे संबंधित, कुंदन हत्याकांड से संबंधित क्या होती है, इसकी जो चर्चा होती है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। और इसके विरोध के अंतर्गत 26 मई 1935 को सिकर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों इम्पोर्टेंट है, जो 26 मई 1935 को मनाया गया था, कौन सा दिवस मनाया गया था, सिकर दिवस मनाया गया था। तो दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकती है, सिकर दिवस किससे संबंधित है और या फिर ये कब मनाया गया। अगला किसान आंदोलन है कटराथल सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित ये वापस एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत मुख्य रूप से सेकाउटी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, 25 अप्रैल 1934 को सियोट के सामंत के द्वारा यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या है, दुर्व्यवहार किया जाता है। इस दुर्व्यवहार को लेकर यहाँ पर बहुत अधिक महिलाओं के द्वारा संगठित होकर एक सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है। और इस आंदोलन के अंतर्गत या सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन का जो अध्यक्षता करने वाली महिला थी वो कौन थी, किशोरी देवी थी। और ये किशोरी देवी कौन थी, हरलाल सिंह खराजी की पत्नी थी। और इस आंदोलन में और इस सम्मेलन की जो मुख्य वक्ता के रूप में थी वो कौन थी, उत्तमा देवी थी। फिर देखिए शेखावाटी क्षेत्र का अंतिम जयसिंहपुरा हत्याकांड, ये जयसिंह हत्यापुरा कब हुआ था, 21 जून 1933 को प्रथम इस प्रकार का हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारा को सजा दी गई थी। तो काफी अहम है, प्रथम इस प्रकार का एक केस है जिसके अंतर्गत हत्यारे थे उनको क्या होती है, सजा होना संभव हो सकी। इसके बाद में किसान आंदोलनों से संबंधित बीकानेर रियासत के किसान आंदोलनों के बारे में देखिए, इन किसान यहाँ एक चूरू का एक स्थान है दूधुआ खारा, जहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे। और यहाँ के दूधुआ खारा के जो किसान हैं उनके द्वारा 1944 के समथिंग यहाँ पर जागीरदार थे, उन जागीरदार के द्वारा बकाया कर को लेके क्या होता है, उनके विरुद्ध अत्याचार किए जाते हैं। और फिर यहाँ पर भूख हड़ताल वगैरह की जाती है। इससे संबंधित विस्तार से अपन कहाँ पे देखेंगे, प्रजामंडल आंदोलन को अंतर्गत वापस से इसे दूधवा खारा चूरू से संबंधित और गंग नहर क्षेत्र के जितने भी किसान आंदोलन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।